हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एवरीवन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंप्यूटर सो टेक आउट योर कंप्यूटर नोटबुक एंड ओपन चैप्टर नंबर थ्री। इट्स अ स्टेप वाइज थिंकिंग इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि हम जो कोई कुछ भी एक्टिविटी या कोई ट्रिप वगैरह प्लान करते हैं अगर हम स्टेप उसकी थिंकिंग करें तो हमारे लिए कितना इजी हो जाता है ओके लेट्स स्टार्ट एवरी एक्टिविटी हैज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट नीड टू बी फॉलोड प्रत्येक एक्टिविटी को जो जो एक्टिविटी हम रखते हैं उसके लिए हमें स्टेप्स के सीक्वेंस की जरूरत पड़ती है जिसे हम फॉलो करते हैं फर्स्टली लिस्ट द मेन स्टेप्स ऑफ द एक्टिविटी सबसे पहले हम क्या काम करते हैं सबसे पहले हम एक्टिविटी के स्टेप्स की लिस्ट बनाते हैं देन फॉर ईच मेन स्टेप लिस्ट द डिटेल्ड स्टेप फिर उसे प्रत्येक हमारे जो मेन स्टेप होता है हम उसे एक डिटेल स्टेप में लिस्ट करते हैं लिस्टिंग द द स्टेप्स हेल्प इन कैरिंग आउट एक्टिविटी जब हम अपने स्टेप्स को लिस्टिंग कर देते हैं लिस्ट में लिख लेते हैं कि हमें स्टेप बाई स्टेप ये यूज करना है हमें अपनी एक्टिविटी ऐसे प्रोसेस में लानी है तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाती है नाउ इफ यू सी इन रियल लाइफ वी फॉलो सर्टेन एप्स स्टेप्स टू परफॉर्म एनी टास्क अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो हम ना अपने टास्क को कम्पलीट करने के लिए परफॉर्म करने के लिए कई तरह के स्टेप्स यूज करते हैं एज अ फॉर एग्जाम्पल वी इफ वी नीड टू मेक अ ब्रेड सैंडविच वी नीड टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स अगर देखा जाए एग्जाम्पल के लिए हम ये सोच लेते हैं कि अगर हमें कोई एक ब्रेड सैंडविच बनाना हो तो उसके लिए हमें जो प्रोसीजर होगा वो कैसे होगा ओके लेट्स चेक स्टेप्स टू मेक अ ब्रेड सैंडविच अरेंज ऑल द इनग्रीडियंट्स इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी हमें सबसे पहले क्या करना होगा सबसे पहले जितने भी सैंडविच बनाने के इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन्हें अरेंज करना होगा उनके रिक्वायर्ड क्वांटिटी के अनुसार एज अ टू ब्रेड स्लाइसेस बटर वन ऑनियन वन टोमेटो लेटेस्ट कोकोम्बर स्लाइसेस फर्स्टली हम क्या करते हैं स्प्रेड सम बटर ऑन योर ब्रेड हम क्या करते हैं हम अपने ब्रेड पे ना बटर को स्प्रेड करते हैं देन नेक्स्ट पॉइंट इज लेयर द लेटेस्ट ऑन टॉप ऑफ द बॉटम स्लाइस एंड ऑनियन रिंग्स एंड टोमेटो स्लाइसिस ऑल्सो एड कुकुम्बर स्लाइसिस उसके बाद हम जो सलाद होती है हमारी उसे हम लेयर में रखते हैं नीचे की तरफ उसके बाद प्याज के जो रिंग होते हैं उन्हें रखते हैं टोमेटोज को रखते हैं और साथ साथ कुकुम्बर के स्लाइसिस भी रख देते हैं स्प्रिंकल साल्ट एंड ब्लैक पेपर एज पर योर टेस्ट उसके ऊपर तो और जिसको भी हम वो सैंडविच देते हैं तो उसे क्या देते है उसके पास टू ब्रेड होते है लाइक दिस ये सैंडविच होता है जिसे हमने तैयार किया है सर द सैंडविच एंड एंजॉय इट दिस इज हाउ स्टेप वाई थिंग इज डन इसी तरह हमने अपने स्टेप वाइज थिंकिंग करके ये अपना वर्क जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लिया और बहुत ही आसानी से हो गया ओके नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेप टू पैक योर स्कूल बैग फॉर द नेक्स्ट डे हम अपने नेक्स्ट डे के लिए स्कूल बैग कैसे पैक करते हैं जैसे कि आप भी करते ही होंगे ऐसा सब कैसे करते हैं सबसे पहले हम अपना बैग लेते हैं ओपन द बैग आउट योर स्कूल डायरी स्कूल डायरी देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है सी द टाइम टेबल उसके बाद हम अपना टाइम टेबल देखते हैं कि टाइम टेबल में आज हमें कौन कौन सी बुक्स जानी है, कौन सी बुक्स बुक्स लेके लेके जानी जानी है है नहीं फोर्थ पॉइंट हमारा निकल के आता है गो टू द बुक शेल्फ यानी कि हम अपने बुक शेल्फ में में जाते हैं जो टाइम टेबल हमने बुक देखी उन बुकों को लेते हो अपने बैग में रखते हैं टिक आउट द रिक्वायर्ड बुक्स एंड नोट बुक्स बुक शेल्फ से हम अपनी बुक्स लेते हैं कीप दैम इन बैग उन्हें बैग्स में रखते हैं देन क्लोज द बैग बैग्स बंद करते हैं और स्कूल को चले आते हैं राइट right? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका स्टेप्स टू प्रिपेयर बनाना मिल्क शेक ऑफ टेकिंग द हेल्प ऑफ योर मदर स्टेप जो बताया गया है वो है बनाना मिल्क शेक हम कैसे बनाए अपनी मदर की हेल्प के साथ तो पिक वन बनाना फ्रॉम द फ्रूट बास्केट हमने एक बनाना लिया फ्रूट बास्केट से पील इट ऑफ उसे छीला एंड कट इन टू स्मॉल पीसेस और उसे स्मॉल पीसेस में कट किया पुट दीज पीसेज इन द ब्लेंडर जो ब्लेंडर होता है इसमें मैंगो शेक ग्राइंड करते हैं उसमें हमने उन पीसेस को डाला एंड वन ग्लास मिल्क एक ग्लास मिल्क डाला एंड वन टी स्पून ऑफ शुगर इन द ब्लेंडर और उसी में हमने एक चम्मच शुगर डाल दी ओके देन रेडी रेडीअवर मिल्क शेक सॉरी बनाना शेक ओके अब देखिए स्टेप वाइज थिंकिंग रेफर्स टू कन्वर्टिंग कॉम्प्लिकेटेड टास्क इंटू सिंपल स्टेप्स बाय प्रेडिक्टिंग द पॉसिबल सोल्यूशन टू अचीव अ डिजायर्ड आउटकम अगर हम अपने स्टेप वाइज थिंकिंग से हम अपने स्टेप बाय स्टेप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई टास्क ले रहे हैं तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो जो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो वो बहुत इजी होता चला जाता है और जो हम आउटकम रिजर्व करना चाहते हैं डिजायर्ड आउटकम है वो हमें जल्दी जल्दी बड़ी आसानी से मिल जाता है वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट ऑल द थिंकिंग इन अ कंप्यूटर हम ये सब थिंकिंग अपने कंप्यूटर में पढ़ चुके हैं टेक्स प्लेस थ्रू जैसे इनपुट हमने कोई इनपुट डाला कंप्यूटर में कोई डाटा डाला उसके सीपीयू से प्रोसेसिंग हुई प्रोसेसर चलता रहा फिर उसके बाद हम प्रिंट आउट से आउटपुट निकल के मिल जाता है वी यूज माउस की बोर्ड एंड टच स्क्रीन टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर अ कंप्यूटर वर्क ऑन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम्स अ कंप्यूटर कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन अवर इंस्ट्रक्शन फॉर इट्स वर्किंग हम जो है कंप्यूटर में इनपुट डालने के लिए माउस का यूज करते हैं कीबोर्ड का यूज करते हैं और टच स्क्रीन का यूज करते हैं ठीक है और जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं काम करने के लिए जो कंप्यूटर करना होता है उसे कहते हैं प्रोग्राम और कंप्यूटर जो है वो पूरी तरह से हम पे डिपेंड होता है कि जब हम उसे इंस्ट्रक्शन दें काम करने के वो तभी से काम करना शुरू करेगा इससे पहले वो कुछ नहीं करेगा नेक्स्ट है प्रोसेसिंग इज द मेन स्टेप इन थिंकिंग वर्क थिंकिंग वर्क का सबसे मेन स्टेप कौन सा होता है वो है प्रोसेसिंग द कंप्यूटर परफॉर्म कैल्कुलेशन ऑन द डाटा प्रोवाइड एज इनपुट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन जो भी डाटा भी जो भी इंस्ट्रक्शन को देते हैं परफॉर्म कंप्यूटर नहीं कर पाएगा कर पाएगा आउटपुट फाइनली क्या होता है जब हमको को यूजर को रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं या फाइनल रिजल्ट को क्या कहा जाता है आउटपुट जैसे मान लीजिए हमने एक कोई टास्क डाला अपने कंप्यूटर में ठीक है कंप्यूटर में टास्क उस उसपे हमने वर्क किया वर्क करने के बाद हमें उसका आउटपुट लेना है तो हम आउटपुट कैसे लेंगे हम प्रिंटर पे क्लिक करेंगे उसमें कॉपीज लिखेंगे उसकी शेड लिखेंगे ठीक है और उसके बाद जो हम प्रिंट करेंगे जो वो प्रिंट आउट निकल के आता है वो होता है हमारा आउटपुट जो हमें आउटपुट डिवाइस से मिलता है यानी कि प्रिंटर से मिलता है इनपुट है इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं प्रिंटर रिसीव ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम ए कंप्यूटर कंप्यूटर से एक डॉक्यूमेंट रिसीव करता है देन प्रिंटर स्टोर्स द डॉक्यूमेंट इन दट मेमोरी प्रोसेसिंग में क्या होता है जब प्रिंटर जो जो हमने डॉक्यूमेंट प्रिंटर को दिया है वो उसे स्टोर करता है उसकी मेमोरी में देन आउटपुट क्या होता है अ डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड आउट ऑन पेपर तो आउटपुट का निकल के आया मैंने अभी आपको बताया जो पेपर पे प्रिंट होकर निकल के बाहर मिलता है वो होता है हमारा आउटपुट ये प्रिंटर का वर्क है और माइक्रोवेव में देख लीजिए माइक्रोवेव में क्या होता है यूजर प्रेसेज बर्ट टू सेलेक्ट द पावर लेवल एंड टाइम यही करते हैं फिर प्रोसेस करते हैं आउटपुट ही जाता है आउटपुट क्या मिलता है हीटेड फूड यानी गरम स्टेप्स रिटर्न इन एंड ऑर्डर कोई स्टेप्स को अगर हम ऑर्डर में लिख के ये करके पार्टिकुल, पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करके उसे रिटर्न करके लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है हमारा वो होता है एल्गोरिथम स्टेप बाई स्टेप डिविजन ऑफ वर्क हेल्प इन कम्पलीटिंग इट ओन टाइम स्टेप बाई स्टेप अगर हम डिवाइड करते, करते हैं तो यह हमारे work समय से वर्क को कम्प्लीट करने में हेल्प करता है स्टेप रिटर्न इन एल्गोरिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड डायोग्रामेटिकली विदेल ऑफ अ फ्लो चार्ट जो हमारे रिटर्न स्टेप होते हैं एल्गोरिथ में वो हमें डायोग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसे ताकि हम ट की हेल्प से उस वर्क को कम्प्लीट कर सके नोट दैट एल्गोरिज्म एंड फ्लोर चार्ट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर ए कम्प्यूटर ये एल्गोरिज्म और फ्लो चार्ट जो है वो कंप्यूटर में रिक्वायर्ड नहीं हो रहे हैं बट आर यूज बाई अ प्रोग्रामर ये केवल एक प्रोग्रामर के द्वारा यूज किए जाते हैं टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम इजली क्यों यूज किए जाते हैं किसी भी प्रोग्राम को इजली अंडरस्टैंड करने के लिए अ फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्लो चार्ट क्या होता है फ्लोचार्ट वो होता है जो एक डायग्राम होता है बहुत सिंपल सा डायग्राम होता है जो हमारे इंस्ट्रक्शन के स्टेट को रिप्रेजेंट करता है फ्लोचार्ट नॉर्मली यूज अंडर स्टैंडर्ड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट टू डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन दीज सिंबल आर यूज टू कंस्ट्रक्ट द फ्लो चार्ट एंड शो द स्टेप बाई स्टेप सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम द कॉमनली यूज सिंबल फॉर ड्रॉइंग अ फ्लो चार्ट आर गिवन ब्लॉग टर्मिनल बॉक्स ये शेप है आपके टर्मिनल बॉक्स की इनपुट और आउटपुट बॉक्स प्रोसेस बॉक्स फ्लो फ्लो लाइन्स डिसक्टर नाउर इज सिंपल फ्लो चार्ट फॉर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ थ्री नंबर्स सी स्टार्ट एक्सेप्ट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी दे कैलकुलेट समी प्लस सी देन हमें क्या मिलेगा प्रिंट द वैल्यू ऑफ सम एंड देन स्टॉप एलगोरिज्म फॉर द अबो फ्लो चार्ट इज गिवन एज फॉलोज ये जो फ्लो चार्ट यही एल्गोरिद्म का फ्लो चार्ट एक्सेप्ट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी कैलकुलेट सम ए प्लस बी प्लस सी प्रिंट वैल्यू ऑफ समल्गोरिदम ये एल्गोरिदम के द्वारा हमें टास्क बताया गया है एंड यह बताया गया था फ्लो चार्ट के द्वारा ओके स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल थिंग इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी थिंग यू कॉल मी Okay students, good luck.